ये है अम्बाला शहर का हुड्डा ग्राउंड, जहां पर किसानों का सोना खुले आसमान के नीचे पड़ा है। ना तो यहां पर तिरपाल का इंतजाम है और ना ही किसी शेड का इंतजाम है। किसान मजबूर है अपना सोना इस खुले आसमान के नीचे रखने, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लाखों बोरियां यहां पर खुले आसमान के नीचे पड़ी हैं और तिरपाल नाम की कोई चीज़ यहां आपको दूर दूर तक दिखाई नहीं देगी। इक्का दुक्का कुछ कुछ जगह पर जो तिरपाल दिख भी रही है, वो किसान अपने घर से लाकर अपनी गेहूँ को ढक रहे हैं कि किसी तरीके से इस गेहूं को बचाया जा सके। अम्बाला में मंत्री करणदेव कंबोज आए, जब उनसे बात की गई कि आखिर कैसे किसानों का सोना खुले में पड़ा है, तो उन्होंने भी अपनी मजबूरी बताई। क्या कहा उन्होंने, आप खुद ही सुन लीजिए। किसान का सारे काम खुले में होता है, नीलांबर के नीचे होता है, जो खेतों में खड़ी उसमें भी रिस्क है, जो मंडी में है उसमें भी रिस्क है। सरकार कोशिश करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेड जो है ना मंडियों में बनाए जाए। और अभी पिछले सप्ताह मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी, मुख्यमंत्री ने उस दिन भी कहा कि हम इसमें जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा शेड मंडियों में बने, उसका एक जो है ना तय करो भी किस तरह से जो है ना मंडियों को कवर करके, ताकि जो है ना ओपन में माल ज़्यादा ना गिरे और वो छावे के अंदर ही गिरे, शेड के अंदर गिरे, ताकि बरसात या इस प्रकार की जो परिस्थिति हो उससे अनाज को बचाया जा सके। पूरा साल किसान मेहनत करता है और इस बात का इंतजार करता है कि कब उसकी फसल खड़ी होगी, कब वो उस फसल को काटेगा, मंडी में लेकर जाएगा और उसके उचित दाम उसे मिलेंगे। लेकिन बरसाती मौसम में अगर सरकार उनकी फसलों को बचाने का ही इंतजाम ना करे तो आखिर किसान भी क्या करे। हमने कुछ किसानों से बात की, उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही हैं। क्या कुछ कहा इन किसानों ने, आइए सुनिए हमारे साथ। परेशानी जी, बस कितने बदल आ रहा पड़ते, उधर मौसम खराब हो रहा, कणक भिज गई, पहला कणक खेतों में अग लग ली, जल गई साढ़े इलाके। अच्छा, फिर हूँ बारिश से डर लगता, इंतजाम कोई नहीं है जी, कोई भी इंतजाम नहीं। कोई अधिकारी आता हो? अधिकारी कोई भी नहीं आता जुड़े। हाँ जी, क्या कहना चाहते हो सरकार से? तो सरकार तो ये कहते हैं कि मंडी का थले फर्श पक्का होना चाहिए था, और ऊपर छत भी होनी चाहिए ऊपर। कनक पड़ी है, कोई मजदूरी आंदा नहीं है, अधिकारी बस तो ना तरपाल है, ना कोई शेड है, यहीं पर यूं पड़ी है, लाखों बोरियां पड़ी है। क्या डर सता रहा है? डर बारिश का ही, माल खत्म हो जाएगा। अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से हम सरकार को और सरकारी अधिकारियों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जागें और इन किसानों की जो चिंता है उसे दूर करें, क्योंकि जिस तरीके से ये लाखों क्विंटल जो गेहूं है वो खुले आसमान के नीचे पड़ी है, इससे कहीं ना कहीं किसानों का जो सोना है वो बर्बादी के आसमान के नीचे पड़ा है, और इसकी पूर्ण जिम्मेवारी सरकार की या सरकारी अधिकारियों की है, जो हर बार वादे तो करते हैं कि उनकी सरकार किसानों को खुशहाली देने वाली सरकार है, लेकिन जिस तरीके से हर बार किसानों का सोना खुले आसमान के नीचे भीग जाता है, वो हर सरकार के काम पर, कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान जरूर लगा जाता है। हम अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से किसानों की आवाज़ सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि सरकार इन किसानों की इस उचित समस्या को समझे और इसका समाधान।